Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is iFamilia. iFamilia जो है ये एक ग्लोबल डाटाबेस है जो कि आइडेंटिफाई करेगा मिसिंग पर्सन को. iFamilia किस पर्पज के लिए है? तो आइडेंटिफाई करने के लिए मिसिंग पर्सन को. इट वॉज लॉन्च बाय इंटरपोल. इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? इंटरपोल के द्वारा. इट कैन आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन थ्रू फैमिली डीएनए एंड हेल्प द पुलिस सॉल्व कोल्ड केसेस इन मेंबर कंट्रीज. ये आइडेंटिफाई करेगा मिसिंग पर्सन को फैमिली के डीएनए के माध्यम से और मदद करेगा पुलिस को ताकि वो सॉल्व कर पाए कोल्ड केसेस को मेंबर कंट्रीज के. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किन्नौर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. तो हम जानेंगे किन्नौर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या प्रोजेक्ट है, किस स्टेट में क्या मैटर है. द पीपल ऑफ किन्नौर हिमाचल प्रदेश हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रपोज्ड 804 मेगावाट चांगी टोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ओवर द सतलज सिंस अप्रैल 2021. जो पीपल है किन्नौर हिमाचल प्रदेश के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो प्रपोज 804 मेगावाट जांगी टोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है उसका सतलज के ऊपर अप्रैल 2021 से. तो ये जो आपका जांगी टोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है किस रिवर के ऊपर है? सतलज के ऊपर है. क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है. किन्नौर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इन वाइजेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम ऑफ 88 मीटर हाई अबव द डीपेस्ट फाउंडेशन लेवल अक्रॉस रिवर सतलज नियर जांगी विलेज. ये जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है ये इन वाइजेक कर रहा है कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम को 88 मीटर हाई होगा जो कि डीपेस्ट फाउंडेशन लेवल से अक्रॉस रिवर सतलज के नियर जांगी विलेज में. ये जो डायवर्सन होगा वाटर का ये इन्वॉल्व करेगा कंस्ट्रक्शन 12 किलोमीटर लॉन्ग टनल का. द टीनेटिव लैंड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट इज 295.93 हेक्टेयर आउट ऑफ विच 220 हेक्टेयर इन फॉरेस्ट लैंड एंड 25.5 हेक्टेयर इज प्राइवेट. जो टीनेटिव लैंड रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए जो आवश्यक है उसके लिए 295.93 हेक्टेयर लैंड चाहिए जिसमें 220.43 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड है और 25.5 हेक्टेयर लैंड जो है वो प्राइवेट है. कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम विल रिजल्ट इन द सबमर्जेंस ऑफ द अबाउट 156.2917 हेक्टेयर ऑफ लैंड आउट ऑफ विच 143.20 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड एंड 13 हेक्टेयर इन प्राइवेट. जो कंस्ट्रक्शन होगा इस डैम का इसके कारण सबमर्जेंस हो जाएगा 156.29 हेक्टेयर लैंड का और जिसमें से 143 हेक्टेयर लैंड फॉरेस्ट लैंड है और 13 हेक्टेयर जो है वो प्राइवेट होगा. वाई आर पीपल प्रोटेस्टिंग? ये जो प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है क्यों पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज मेनली मार्क बाय इट कोल्ड डेजर्ट, ट्राइबल पॉपुलेशन, फ्रेगाइल टोपोग्राफी, रिच एंड डाइवर्स कल्चर, एप्पल और काज, ऑफ सीजन वेजिटेबल एंड सतलज रिवर. तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का वो मेनली जाना जाता है अपने कोल्ड डेजर्ट, ट्राइबल पॉपुलेशन, फ्रेगाइल टोपोग्राफी, रिच एंड डाइवर्स कल्चर, एप्पल और काज, ऑफ सीजन वेजिटेबल एंड सतलज रिवर के कारण. द रिवर हैज बीन डैम्ड एट मल्टीपल प्लेसेज अलॉन्ग द वैली टू क्रिएट एन एडिशनल फीचर टू किन्नौर आइडेंटिटी एज हिमाचल हाइड्रो पावर हब विच लोकल बिलीव इज ए मेलिडिक्शन. जो रिवर है उसको डैम्ड किया गया है मल्टीपल प्लेसेज में वैली पे ताकि क्रिएट किया जा सके एडिशनल फीचर को किन्नौर के लिए जिसके लिए वो जाना जाता है हिमाचल हाइड्रो पावर हब, जहां पे लोकल का मानना है कि ये एक मेलिडिक्शन है. एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बतन रूट जंगम वैली लाइज ऑन द राइट बैंक ऑफ द सतलज रिवर इन द डिस्ट्रिक्ट. और जो एक इंटीग्रल पार्ट है ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बतन रूट का जंगम वैली वो लाइज करता है राइट बैंक में सतलज रिवर के इसी डिस्ट्रिक्ट के. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द कोल्ड डेजर्ट हैज विटनेस सच ए कॉन्स्टेस्टेशन. और ये पहली बार नहीं है कि वो कोल्ड डेजर्ट में देखा गया ऐसा कॉन्स्टेस्टेशन को. सतलज इज ओवरलोडेड. जो सतलज रिवर वो ओवरलोडेड है. द सतलज हैज टेकन द बिगेस्ट लोड ऑफ स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्बिशन सिंस इन द अर्ली 90s. आउट ऑफ द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 56% इज डन इन द सतलज बेसिन. जो सतलज है वो पहले से ही ओवरलोडेड है, स्टेट हाइड्रो पावर एम्बिशन को फुलफिल कर रहा है अर्ली 90s के समय से ही. जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है हमारा हाइड्रो पावर को लेकर उसमें 56% जो है वो सिर्फ सतलज बेसिन के ऊपर है. तो आप समझ सकते हैं किसी एक रिवर के ऊपर कितना ज्यादा बर्डन है. अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश रिपोर्ट 2017, जो स्टेट ऑफ द रिवर हिमाचल प्रदेश रिपोर्ट है 2017 का, उसके अनुसार दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो 92% रिवर है वो आइदर फ्लो कर रहे हैं टनल के माध्यम से और रिजर्वोयर के माध्यम से. सच ए क्यूमुलेटिव स्केल ऑफ डिस्टर्बेंस विद द रिवर नेचुरल स्टेट ड्रेस्टिकली इम्पैक्टेड द लाइफ, लाइवलीहुड एंड इकोलॉजी इन द सतलज बेसिन. और ये जो क्यूमुलेटिव स्केल है डिस्टर्बेंस का रिवर का नेचुरल स्टेट का, ये ड्रेस्टिकली प्रभाव डालेगा लाइफ में, लाइवलीहुड में, इकोलॉजी के ऊपर सतलज बेसिन का, जिसका परिणाम हो सकता है काफी बुरा भी हो. वाई नीड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? क्यों हमें आवश्यकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का? तो हाइड्रो पावर इज ए नेसेसरी चॉइस फॉर द नेशन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन. जो हाइड्रो पावर है ये एक नेसेसरी चॉइस है नेशन के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए. इन प्योरली टेक्नोलॉजिकल टर्म हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आर एन इंजीनियरिंग मार्वल एंड जनरेट क्लीन रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी. और प्योरली टेक्नोलॉजिकल टर्म में हम अगर कहें तो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो एक इंजीनियरिंग मार्वल है. ये जनरेट करेगा क्लीन रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी को
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो नो ही वायबल है कि लोकल लाइवलीहुड और इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये फेल्ड करता है फाइनेंशियल वायबिलिटी साइड को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चाइना होस्ट एशियन फॉरेन मिनिस्टर। तो चाइना है उसने होस्ट किया था एशियन फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को, हम जानेंगे इसके बारे में। चाइना इज होस्टिंग फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम द 10th ओशियन कंट्रीज, द इवेंट ऑल्सो मार्क द 30th ईयर एनिवर्सरी ऑफ द रिलेशन। चाइना जो है उसने होस्ट किया है फॉरेन मिनिस्टर को 10 एशियन कंट्रीज का, ये जो इवेंट था वो मार्क कर रहा है 30 ईयर एनिवर्सरी इस रिलेशन का। एशियन इज बीइंग सीन एज ए की स्पेस वेयर चाइनीज एंड क्वाड इनिशिएटिव में रब अप अगेंस्ट इच अदर। एशियन को देखा जा रहा है एक की स्पेस के तौर पर, जहां पे चाइनीज और क्वाड का इनिशिएटिव जो है वो एक दूसरे के साथ रब हो सकता है। क्या कॉन्सर्न है चाइना को लेकर? देयर आर पॉसिबिलिटी दैट क्वाड मेंबर विल फर्दर रोप इन एशियन मेंबर्स टू काउंटर चाइना एज साउथ ईस्ट एशिया इज ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस टू द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। और पॉसिबिलिटी है कि जो क्वाड मेंबर है वो फर्दर रोप करेंगे एशियन मेंबर को काउंटर करने के लिए चाइना के साउथ ईस्ट एशिया को, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया का ग्रेट सिग्निफिकेंस है यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए। चाइना रिसेंटली कॉल्ड द क्वाड एन एशियन नेटो, और चाइना ने क्वाड को कहा है कि ये एशियन का नेटो है। एशियन के बारे में अब हम समझेंगे। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एस्टेब्लिश टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी एमिड राइजिंग टेंशन अमंग द एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेजेस। जो एशियन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि प्रमोट किया जा सके पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी को। जो टेंशन राइज हो रहा था उसको ध्यान में रख के एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का। द मोटो ऑफ एशियन इज वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। जो मोटो है एशियन का वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। एशियन सेक्रेटेरियट जो है आपका वो लोकेटेड है इंडोनेशिया जकार्ता पे। इसका जेनेसिस कैसे हुआ था? तो इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1967 विद द साइनिंग ऑफ एशियन डिक्लेरेशन, जिसको कि हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं, बाय इट्स फाउंडिंग फादर। तो एशियन को एस्टेब्लिश किया गया था 1967 में साइन करके एशियन डिक्लेरेशन को, जिसको कि हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं, इसके फाउंडिंग फादर के द्वारा। फाउंडिंग फादर ऑफ एशियन आर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो फाउंडिंग फादर थे एशियन के कौन कौन से थे? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। 10 मेंबर्स जो अभी एशियन के हैं तो वो कौन कौन से है? ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। 10 मेंबर्स का नाम आपको एकदम मेमोराइज होना चाहिए एशियन के। तो ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। क्या सिग्निफिकेंस है एशियन का इंडिया के लिए? अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एग्रेशन मूव्ड बाय चाइना इंक्लूडिंग द लद्दाख स्टैंड ऑफ, इंडिया प्लेस द एशियन एट द सेंटर ऑफ इंडिया एक्टिव पॉलिसी एंड हेल्ड दैट ए कोहर्सिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन इज एसेंशियल फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जो एग्रेशन जो चाइना ने किया था लद्दाख के स्टैंड ऑफ के बाद, इंडिया का मानना है कि जो एशियन है वो एक सेंटर है इंडिया के एक्टिव पॉलिसी के लिए और ये मदद कर सकता है सिक्योरिटी और ग्रोथ के लिए सारे रीजन का। एशियन इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर विजन। और एशियन जो है वो नेसेसरी है सक्सेस के लिए, सिक्योरिटी और ग्रोथ के लिए सबका इस रीजन पे सागर विजन के लिए। द रीजन इज सिग्निफिकेंट फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेसिलेंस ऑफ सप्लाई चेन फॉर पोस्ट कोविड 19 इकोनॉमी रिकवरी। और ये जो रीजन है वो सिग्निफिकेंट है डाइवर्सिफाई करने के लिए भी, जो रेसिलेंस है हमारा सप्लाई चेन का पोस्ट कोविड 19 इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। इट इज इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद अबाउट 86.9 यूएस बिलियन डॉलर इन ट्रेड। और ये इंडिया का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जहां पे 86.9 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL, PIB का न्यूज है। हम जानेंगे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में। लेंडर्स हैव डिसाइडेड टू इनिशियली ट्रांसफर 22 बेड लोन्स अकाउंट ऑफ 89,000 करोड़ टू दी प्रपोज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एडिंग द क्लीनअप ऑफ देयर बैलेंस शीट। जो लेंडर्स है उन्होंने अब डिसाइड कर लिया कि वो इनिशियली ट्रांसफर कर देंगे जो 22 बेड लोन अकाउंट है 89,000 करोड़ का प्रपोज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पास, ताकि वो मदद कर सके क्लीनअप करने में उनके बैलेंस शीट को। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ बेड लोन लाइकली टू बी ट्रांसफर इन ट्रेंचेस विल बी 2 ट्रिलियन। और जो एग्रीगेट अमाउंट है बेड लोन का जिसको कि ट्रांसफर किया जा रहा है ट्रेंसेस में, वो 2 ट्रिलियन का, आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ह्यूज अमाउंट है बेड लोन का। NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, हम इसके बारे में समझ रहे हैं। सेटिंग अप ऑफ NARCL द प्रपोज बेड बैंक फॉर टेकिंग ओवर स्ट्रेट एसेट ऑफ लेंडर वॉज अनाउंस इन द बजट फॉर 2021-22। सेटअप करने के लिए NARCL को प्रपोज बेड बैंक के तौर पे, जो कि टेक ओवर कर लेगा स्ट्रेट एसेट को लेंडर्स का, यह अनाउंस किया गया था बजट में 2021-22 के। द प्लान इज टू क्रिएट ए बेड बैंक टू हाउस बेड लोन ऑफ ₹500 करोड़ एंड अबव इन ए स्ट्रक्चर दैट विल कंटेन एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी
कंपनी टू मैनेज एंड रिकवर अक्यूट एसेट्स। जो प्लान था क्रिएट करने का एक बैड बैंक को जो कि हाउस करेगा बैड लोन जो कि रुपीज 500 करोड़ व उससे अधिक का होगा, ताकि वो स्ट्रक्चर कर सके जो कि कंटेन करेगा एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को जो कि मैनेज करेंगे और रिकवर करेंगे ड्यू एसेट को। द न्यू एंटिटी इज बीइंग क्रिएटेड इन कोलैबोरेशन विद बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। और ये जो न्यू एंटिटी है इसको क्रिएट किया गया है कोलैबोरेशन के साथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक के। किस तरीके से एनएआरसीएल डिफरेंट है अभी जो चल रहा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से और ये कैसे डिफरेंटली ऑपरेट करेगा। द प्रपोज बैड बैंक विल हैव ए पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर सिंस द आइडिया इज मूटेड बाय द गवर्नमेंट एंड मेजोरिटी ओनरशिप इज लाइकली टू रेस्ट विद स्टेट ऑन बैंक। जो प्रपोज बैंक है उसको पब्लिकली सेक्टर कैरेक्टर है और ये जो आइडिया अभी दिया गया है इसमें जो गवर्नमेंट और मेजोरिटी ओनरशिप जो है वो रहेगा स्टेट ऑन बैंक के पास। अभी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो टिपिकली स्टेप डिस्काउंट देता है लोन के ऊपर, जो प्रपोज बैड बैंक है उसको सेटअप किया जाता है, जो वैल्यू होता है वो इश्यू किया जाता है और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बाद। लेकिन जो गवर्नमेंट बैंक एआरसी है वो डिपेंड पॉकेट है, वो बाय करता है बिग अकाउंट को और फ्री करता है बैंक को कैरी करने के लिए अपने अकाउंट बुक को। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में भी हम समझेंगे। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इट इज ए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट बाय द नॉन परफॉर्मिंग एसेट फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो दैट दे कैन क्लीन अप देयर बैलेंस शीट। दिस हेल्प बैंक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी। जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता है, नाम ही बता रहा है, ये एक स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बाय कर लेता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, ताकि वो क्लीन अप कर सके अपने बैलेंस शीट को। ये मदद करता है बैंक को कॉन्सेंट्रेट करने में अपने नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज के लिए। द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एआरसी आर रजिस्टर अंडर द आरबीआई। और जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी व एआरसी है ये रजिस्टर है आरबीआई के अंतर्गत। इसका लीगल बेसिस क्या है? द स्क्रूटिनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट सरफासी एक्ट 2002 प्रोवाइड द लीगल बेसिस फॉर द सेटिंग अप ऑफ एआरसी इन इंडिया। जो सरफासी एक्ट 2002 का ये प्रोवाइड करता है लीगल बेसिस सेटअप करने के लिए एआरसी को भारत में, कैपिटल नीड जो है एआरसी के लिए। एज पर अमेंडमेंट मेड इन सरफासी एक्ट इन 2016 एंड एआरसी शुड हैव ए मिनिमम नेट ऑन फंड ऑफ रूपीज 2 करोड़। दी आरबीआई रेज द अमाउंट टू रूपीज 100 करोड़ इन 2017। जो अमेंडमेंट किया गया था सरफासी एक्ट में 2016 में, तो एआरसी को मिनिमम नेट ऑन फंड होना चाहिए 2 करोड़ का। आरबीआई ने बाद में इस अमाउंट को बढ़ा के 100 करोड़ कर दिया 2017 पे। एआरसी ऑल्सो हैव टू मेंटेन ए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 15% ऑफ इट रिस्क वेटेड एसेट। और एआरसी को मेंटेन करना होगा अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% का रिस्क वेटेड एसेट के लिए। जरूरत क्यों पड़ा हमको इसका? द टोटल स्ट्रेट इन द बैंकिंग सिस्टम वुड बी इन एक्सेस ऑफ रूपीज 15 लाख करोड़। द बैंक बर्डन विद स्ट्रेट एसेट एंड लिमिटेड कैपिटल विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज द एनपीए। देर इज ऑल्सो लिमिटेड कैपिटल दैट द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड। दिस इज वेयर द बैड बैंक मॉडल वुड स्टेप इन एंड हेल्प बोथ गवर्नमेंट एंड बैंक। जो टोटल स्ट्रेट है बैंकिंग सिस्टम का वो 15 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। जो बैंक है वो बर्डन है स्ट्रेट एसेट से और लिमिटेड कैपिटल जो है वो नहीं मैनेज कर पा रहे हैं एनपीए को। इस कारण लिमिटेड कैपिटल के कारण गवर्नमेंट का पास में लिमिटेड है, वो नहीं कोई हेल्प कर पा रहे हैं। इस कारण बैंक में मॉडल को लाया गया ताकि वो मदद करे गवर्नमेंट को और बैंक को इसे डील करने में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम एंड ऑक्सीवैन ऑक्सीजन फॉरेस्ट पीआईबी। तो हरियाणा का जो प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम और ऑक्सीवैन ऑक्सीजन फॉरेस्ट है पीआईबी क्यों, हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है कि प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम किस स्टेट का है, तो हरियाणा का है। दिस स्कीम वर अनाउंस बाय हरियाणा गवर्नमेंट ऑन द ऑकेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ये जो स्कीम था अनाउंस किया गया था हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दौरान, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। तो हम सबसे पहले प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम को समझेंगे। इट इज एन इनिशिएटिव टू ऑनर ऑल दोज ट्रीज विच आर ऑफ द एज ऑफ 25 इयर्स एंड अबव एंड हैव सर्व ह्यूमैनिटी थ्रू आउट देयर लाइफ बाय प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, प्रोवाइडिंग शेड एंड सो ऑन। ये एक इनिशिएटिव है जिसमें ऑनर किया जाएगा वो सारे ट्रीज को जिनका एज 25 इयर्स हुआ उससे अधिक है और जिन्होंने सर्व किया है ह्यूमैनिटी को अपने लाइफ में प्रोड्यूस करके ऑक्सीजन को, पॉल्यूशन को कम करके, शेड प्रोवाइड करके और सो ऑन। सच ट्री विल बी आइडेंटिफाइड थ्रू आउट द स्टेट एंड दिस विल लुक आफ्टर बाय इन्वॉल्विंग लोकल पीपल इन दिस स्कीम। वैसे ट्री को आइडेंटिफाई किया जाएगा पूरे स्टेट में और उनको देखा जाएगा लोकल पीपल को इन्वॉल्व करके इस स्कीम के अंतर्गत। फॉर मेंटेनेंस ऑफ ट्री ओल्डर देन 25 ईयर्स अ पेंशन अमाउंट ऑफ रूपीज 2500 विल बी गिवन पर ईयर इन द नेम ऑफ पीवीडीपीएस। द ट्री पेंशन शैल कंटिन्यू टू इंक्रीज एवरी ईयर ऑनलाइन सिमिलर टू द ओल्ड एज सम्मान पेंशन स्कीम इन द स्टेट। और मेंटेन करने के लिए ट्री जो कि ओल्डर है 25 इयर्स अधिक, एक पेंशन अमाउंट रखा गया है 2500 रुपए का जो कि दिया जाएगा पर साल पीवीडीपीएस के अंदर। ये जो ट्री पेंशन है वो कंटिन्यू इंक्रीज होगा हर एक साल, जैसे कि आपका ओल्ड एज सम्मान पेंशन स्कीम है स्टेट का। द पेंशन शैल बी गिवन बाय द यूनियन अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट फॉर द अपकीप ऑफ द ट्री, इंस्टॉलिंग प्लेट, ग्रिल्स एक्सेट्रा।
और ये जो पेंशन है वो दिया जाएगा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट को, ताकि वो देखभाल कर सके ट्रीज का, इंस्टॉल करे प्लेट को, ग्रिल्स को और सो ऑन। ऑक्सीजन वैन या ऑक्सी वैन, ऑक्सी फॉरेस्ट जो है उसके बारे में हम जानेंगे। ऑक्सी वैन आर आइडेंटिफाइड पीस ऑफ लैंड ऑन विच एज मेनी एज 3 crore ट्रीज विल बी आइडेंटिफाइड। जो ऑक्सी वैन है ये आइडेंटिफाइड पीस ऑफ लैंड है जिसको, जहां पर 3 crore ट्रीज को प्लांट किया जाएगा। ऑक्सी वैन विल ऑक्यूपाई 10% ऑफ 58 lakh हेक्टेयर ऑफ लैंड अक्रॉस हरियाणा। और ये जो ऑक्सी वैन होंगे वो ऑक्यूपाई करेंगे 10% 8 lakh हेक्टेयर ऑफ लैंड को हरियाणा के। दिस वैन विल बी हाउस डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्री। और ये जो वैन है वो हाउस करेंगे डिफरेंट वैरायटीज को प्लांट और ट्री का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन पेनगिया 14। तो हम जानेंगे ऑपरेशन पेनगिया 14 है क्या। अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ फेक ऑनलाइन फार्मेसीज हैव बीन शट डाउन अंडर ऑपरेशन पेनगिया 14 टारगेटिंग द सेल ऑफ काउंटरफीट एंड इलिसिट मेडिसिन एंड मेडिकल प्रोडक्ट। तो जो रिकॉर्ड नंबर है फेक ऑनलाइन फार्मेसीज का, उसको शट डाउन कर दिया गया ऑपरेशन पेंगिया 14 के अंतर्गत। तो ऑपरेशन पेंगिया 14 के अंतर्गत क्या किया गया है, तो जो फेक ऑनलाइन फार्मेसीज है उनको बंद कर दिया गया है, जो कि टारगेट सेल कर रहे थे काउंटर फीस और इलिसिट मेडिसिन या मेडिकल प्रोडक्ट को। द ऑपरेशन कोऑर्डिनेटेड बाय इंटरपोल इन्वॉल्व पुलिस कस्टम एंड हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी फ्रॉम 92 countries। ये जो ऑपरेशन, इसको कोऑर्डिनेट किया गया था इंटरपोल, जिसमें कि पुलिस कस्टम और हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज थे 92 countries के। इट रिजल्टेड इन 1,13,020 वेब लिंक इंक्लूडिंग वेबसाइट एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस बींग क्लोज डाउन और रिमूव्ड, द हाइएस्ट नंबर सिंस द फर्स्ट ऑपरेशन पेंगिया इन 2008। ये जो है हाइएस्ट नंबर 1,13,020 वेब लिंक, जिसमें कि वेबसाइट ऑनलाइन मार्केट प्लेस आते हैं, इन सबको बंद कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ये हाइएस्ट है जब से ऑपरेशन पेंगिया को लॉन्च किया गया 2008 में। तो दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।